हे लवर्स, कैसे हो? होप सो आप अच्छे होंगे, क्योंकि आज की वीडियो ना आपके क्रश के बारे में, आपके प्यार के बारे में। जी हाँ, आप सोचते हो ना कि मैं उसके लिए ये सारी चीजें फील कर रहा हूँ, तो लड़कियां क्या मेरे बारे में ये चीजें फील करती हैं? आपकी क्रश क्या आपके बारे में वैसे फील करती है? इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि लड़कियां जब प्यार में होती है ना, तो कौन कौन सी चीजें वो इमेजिनेशन करती है, क्या क्या सोचती है और क्या चाहती है। तो सबसे पहली चीज है कि अगर वो प्यार में है, उसे आपसे प्यार हुआ है और किसी से भी प्यार होता है, तो लड़कियां रोमांटिक ड्रीम्स देखती है। देखिए, रोमांस सबको पसंद है, लड़कियां भी चाहती है रोमांटिक लव लाइफ। इसके लिए वो इमेजिनेशन करती है अच्छे से डेटिंग, अच्छे से प्लानिंग। वो इमेजिनेशन करती है कि मैं भी उसके साथ बाइक में घूमने जाऊं, उसके साथ अच्छे से घूमूं, बारिश को एंजॉय करूं और अपने डेट्स को एंजॉय करना चाहती है। इसी के लिए वो एक रोमांटिक सा डेट सोचती है। वो म्यूजिक सुनती है, बहुत प्यार वाली म्यूजिक सुनती है, वैसे म्यूजिक जो दिल को छू जाए। अक्सर देखोगे जो लड़कियां प्यार में होती है, उनकी साइकोलॉजी ही हो जाती है कि वो प्यार वाले गाने सुनना पसंद करती है। सिर्फ प्यार वाले गाने ही नहीं सुनते, उसमें खुद को और उसको यानी अपने क्रश, अपने बॉयफ्रेंड को इमेजिनेशन भी करती है, और वो खुद ब खुद होती है उसमें। साइकोलॉजी है कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ही वो सारी चीजें होने लगती है और प्यार में ये सारी फीलिंग्स वो करती है। नेक्स्ट है कि वो सरप्राइज देना चाहती है। देखो, सरप्राइज वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरीके से देना चाहती है। वो सडनली अच्छे से तैयार होकर तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। सडनली एक छोटा सा सरप्राइज तुम्हारे लिए बुक करेगी, या फिर तुम्हारे लिए कुछ बना के लेके आएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें खुश कर दे, सरप्राइज कर दे, वो चीजें वो करना चाहती है और करती भी है। जैसे ही प्यार हो जाता है ना, तो वो चाहती है कि वो भी एक दिन तुम्हें प्रपोज करे, या फिर तुम भी उसे प्रपोज करो। रोमांटिक सा पहली बार नहीं, कई बार प्रपोज करो, अलग अलग तरीके से प्रपोज करो, और वो अच्छा से प्रपोजल चाहती है। तो लड़कियों का ना प्यार होने के बाद अकेले मन नहीं लगता, वो घंटों तक तुमसे बात करना चाहती है, और कई बार बात नहीं हो तो तुम्हें मिस भी करती है। अकेले उनका मन नहीं लगता ना, वो हमेशा तुम्हें मिस करते रहती है, इसलिए चाहती है कि कब वो मुझे कॉल करे, कब मैं उससे जल्दी से जाके बात करूँ। अब इसके लिए वो अपने सारे काम जल्दी जल्दी कर लेगी, टाइम निकालेगी, बहुत ज़्यादा देर अकेले रहेगी, अपने रूम में रहेगी, और किसी भी बहाने से तुमसे बात जरूर करेगी, क्योंकि वो अकेले नहीं रह पाती, उसका मन नहीं लगता। लड़कियां एक्सपेक्ट करती है एक निक नेम जब वो प्यार में होती है, बाबू, सोना, या कुछ भी ऐसी चीजें जो तुम उसे प्यार से कहो। वो चाहती है कि प्यार ऐसा निकने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के थ्रू मिले, मुझे मेरे प्यार के थ्रू मिले, ऐसा वो एक्सपेक्ट करती है। एक ऐसा नेम, एक ऐसा नाम जो स्पेशली उसके थ्रू दिया गया हो मुझे, उन चीजों को बहुत सहेज के रखती है और चाहती है कि मेरा एक पार्टनर जो है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे ये चीज कहे। तो अक्सर अगर आप उसे निकनेम से नहीं बुलाते ना, तो प्लीज उसे एक अच्छा सा निकनेम दो और निकनेम से बुलाओ, क्योंकि वो ये सारी चीजें चाहती है। प्यार में है तो तुमसे स्पेशल डिमांड भी करेगी। स्पेशल डिमांड, मेरे पसंद की शर्ट पहन के आओ, मेरे पसंद का हेयर स्टाइल करो ना, ये तुम करोगे ना अच्छे लगोगे, प्लीज मेरे लिए करो। जो चीजें तुम्हें पसंद नहीं भी होगी ना, फिर भी वो तुमसे वो सारी चीजें करवाएगी जो उसे पसंद है, क्योंकि वो तुम्हें हक, अपना हक समझती है, तुम पे अपना पोजेशन दिखाना चाहती है कि कितनी पोजेसिव हूँ मैं तुम्हारे लिए, तुम पे मेरा हक है, समझे, मैं तुमसे ये चीजें करा सकती हूँ। अपनी फ्रेंड्स के पास तुम्हारी तारीफ करना, देखो तुम्हारे पास तो वो बहुत कम, लेकिन अपने फ्रेंड्स के पास दिन रात तुम्हारी बातें करना चाहेगी। देखो वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसे बात की, ये सारी चीजें वो करती है, और इनफैक्ट वो जरूर से ज्यादा खुश रहेगी, का चेहरा खिला खिला लगेगा, क्योंकि वो खुश है तुम्हें पाकर। लॉयल्टी का दिखावा भी करना, कुछ इंटेंशनली कुछ अन इंटेंशनली वो ऐसे काम करेगी जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ये मेरे लिए कितनी केयर करती है, या फिर ये मुझसे सच्चा प्यार करती है। लाइक पूजा पाठ, दुआएं करना, प्रार्थना करना, और तुम्हें बताना कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा व्रत रखा है, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। वो सारी चीजें जो आफ्टर मैरिज होती हैं, वो सारी चीजें दिखाती हैं कि देखो मैं तुम्हारे लॉयल हूँ और लॉयल रहना चाहती हूँ, उसमें मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ। इनफैक्ट वो मैरिज की प्लानिंग भी करती है, खुद को एज अ वाइफ की तरह प्रिटेंड करती है तुम्हारे साथ, वो सारी चीजें बोलना चाहेगी कि देखो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरा ये हक है, वो हक है, ये सारी चीजें वो करने लगती है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ही ऐसी हो जाती है, क्योंकि वो प्यार करने लगी है इस वजह से। कैसी लगी ये सारी बातें जानकर? आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी। आपने इनमें से कौन सी चीजें नोटिस की है अपनी गर्लफ्रेंड पे या किसी लड़की में, प्लीज कमेंट में करना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मेरे वीडियोस का इंटेंशन होता है आपको एक अच्छी लव लाइफ देना, आपके दिल का ख्याल रखना। सो प्लीज एक स्माइल और एक हार्ट जरूर देना कॉमेंट पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।